नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैं IIT गुवाहाटी ग्रेजुएट हो चुका हूँ 2022 में BTech केमिकल इंजीनियरिंग से। आज इस वीडियो में आपके JEE मेंस के पेपर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाला हूँ, क्योंकि 2 दिन से भी कम बचे अगर आपका शिफ्ट 4 अप्रैल वाला है। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जिससे मैं गारंटी लेता हूँ आपके परसेंटाइल नहीं गिरेंगे, और अगर गिर रहे होंगे तो बच जाएंगे, उल्टा बेटर रैंक आ सकती है। क्योंकि लोग इधर ही सबसे ज़्यादा बड़ी गलतियाँ करते हैं, पूरे साल मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और लास्ट में हक देते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको गाइड करने वाला हूँ अच्छे से और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है एग्ज़ाम आ चुका है, कुछ लोगों को पैनिक हो रहा होगा, एंग्जाइटी हो रही होगी, किसी का सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं है, किसी को नींद नहीं आ रही होगी। ये सब भाई होता है, याद रखो आपको स्पेशल नहीं हो, सबके साथ होता है। मतलब हर एक बच्चे के साथ ये अभी हो रहा होगा, ऐसा हो कुछ भी ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी के साथ ना हो रहा हो। इवन जो टॉपर होता है ना AIR 1, उसको भी नहीं पता होता है कि भाई उसकी AIR 1 आ जाएगी, तो वो भी थोड़ा बहुत पैनिक में रहते हैं। तो इस वीडियो में ये याद रखिए कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आपको बस दूसरे से बेटर करना है। और भाई सबकी हालत एक जैसी है, ये मत डरो कि भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, 90% लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो चलो अब आपके लिए कुछ स्पेशल टिप्स आपको बता रहे हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लिख लें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो दो तरह के लोग होते हैं, जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, दूसरे होते हैं जिन्होंने नहीं करा है, कुछ टॉपिक रह गए हैं, ऐसे भी होते हैं, बीच के भी होते हैं, ठीक है। ये उन तीनों लोगों के लिए, ठीक है। देखो अगर आपका सिलेबस थोड़ा बच गया है ना, अभी भी 2 दिन है, तो आप पता है लो हैंगिंग फ्रूट्स को पकड़ सकते हो। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या है भाई, ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो बहुत ही जल्दी आप कर सकते हैं और इनमें से क्वेश्चन गारंटीड ही आता है और ये काफ़ी इजी होते हैं, जैसे हीट ट्रांसफर वगैरह हो गए, ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है, ऐसी मॉडर्न फिजिक्स हो गई, ये सब इजी हैं, ठीक है। तो ये करा जा सकता है और इससे क्वेश्चन गारंटीड आता ही आता है, हर बार इजी क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो ये वाले आप जरूर से कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा अगर आपका सिलेबस रह गया है। बाकी जो बड़े बड़े चैप्टर हैं उन्हें छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं है। आप भले ही आप कितना पढ़ लोगे, प्रेशर बढ़ेगा और कुछ नहीं भाड़ में जाए, ठीक है, उससे बेटर है कि आप छोड़ दो उसको, ठीक है। तो अब आती है इंपॉर्टेंट बात, ये वाली चीज़ लोग इग्नोर करते हैं, भाई फॉर्मूले एक बार लास्ट में रिवाइज कर लो यार, मैं बता रहा हूँ। क्या होता है जल्दीबाजी में कोई एक फॉर्मूला भूल जाते हैं तो फिर याद नहीं आता, एग्जाम में प्रेशर बढ़ जाता है। तो एक बार स्किम करके थ्रू देख लो फॉर्मूले डेली, एक बार रात में या सुबह देख लो, एक बार फॉर्मूले 4 बार देखोगे, आज देखना सुबह, अभी इस टाइम देख लो, जिस वीडियो के जस्ट बाद फॉर्मूले लेके बैठ जाओ और देख लो सारे फॉर्मूले एक बार गो थ्रू कर लो कि इस चैप्टर में कौन से फॉर्मूले थे, ये बेसिक मैथ के सब, ठीक है। ये वीडियो के तुरंत एंड बाद ही करना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप IITian या NITian बन रहे हो ना, तो आपको ठानना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, मेहनत थोड़ी बहुत लगती है, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ठीक है, और अभी एक बार रिवाइज करना, रात में करना, फिर कल सुबह भी करना, और फिर एक बार शाम को कर लेना, कल 4 बार कर लोगे, अंदर बैठ जाएगा फॉर्मूला, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। अगर फॉर्मूला बेस्ड आता है ना, मेंस में आ जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट हो जाएगा, लिख के ले लो, कोई गारंटी की बात मैं बता रहा हूँ 100%, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अभी इस वक्त थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप सब कुछ नहीं कर सकते कवर, ये आपको मानना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप रिलैक्स करोगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मेरे उल्टा घट गए थे क्योंकि मैं रिलैक्स नहीं कर पा रहा था, ये मैंने अपने समय पे गलती करी थी जिससे मेरी रैंक काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई थी, वरना और बेटर रैंक में एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसके लिए आप मेडिटेशन, अगर आप जिम विम जाते हो तो बहुत ही बढ़िया भाई, मतलब ये बेस्ट चीज़ आप कर सकते हो। पर जिम में नहीं, ये तुम 4 घंटे जिम ही कर रहे हो, 1 घंटा कर लो बस काफ़ी है, अपने दोस्तों के साथ बात कर लो या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ ही टाइम स्पेंड कर लो, फैमिली मेंबर के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप बाहर चले गए और घूमे ही रहे हो पूरे दिन, इतना भी नहीं, 1 घंटे, ठीक है, फ़ोन पे बात कर लो, एक्सरसाइज मेडिटेशन ये जरूर करना, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब बात आते हैं टेस्ट के ऊपर, ठीक है। अब लास्ट में टेस्ट देने चाहिए कि नहीं, ये मैं आपको एक चीज़ में बड़े अच्छी बता देता हूँ। और अगर आपके टेस्ट में लो स्कोर आ रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने अभी पिछली वीडियो बनाई थी उसमें लोग कह रहे हैं भैया मेरे सिर्फ 110 नंबर ही आ रहे हैं, 300 में से मेरा होगा कि नहीं। अरे भाई एक बात बताओ, तुमने जो टेस्ट दिया है वो क्या एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका है क्या JEE मेंस का? नहीं, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि तुम्हारा टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ बनाया हो, ठीक है, कि बच्चे को हार्ड की आदत लग जाए तो इजी क्वेश्चन तो हो ही जाए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट कभी आपको रियल एग्जाम कंडीशन का वो नहीं दे सकते, कभी भी सिनेरियो नहीं बताएंगे। जैसे मेरा खुद को देख लो, मेरे 246 आ रहे थे, 250 नंबर भी आए हैं, ठीक है, एक्चुअल एग्जाम में 180 आए, मतलब 50% पे स्कोर हो गया। तो ये कुछ भी हो सकता है, अगर मैं बताया पैनिक नहीं करता तो हो सकता है इतने आ जाते, लेकिन पैनिक हो गया तो देखो परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई ना। तो यही है, तो बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं। जैसे एक मेरा दोस्त था, ठीक है, उसकी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। तो उस बंदे के आए थे 110 नंबर
360 में से 360 में से 110 नंबर आए थे, बहुत ही बेकार रहे। फिर उसने जब एडवांस लिखा है ना, एडवांस की बात बता रहा हूँ, तो उसकी पता है कितनी आई है? 3,500 रैंक। बताओ, आईआईटी रुड़की में है अभी, मतलब अब तो पास आउट हो गया, बढ़िया अच्छे से रैकल में जॉब कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इसलिए डरने वाली बात नहीं है, हो सकता है आपका मेन गलती से गड़बड़ चला है, बट एडवांस है भाई अपना टारगेट, तो चिल्ले एकदम चिल्ले के भरो। आप बस मेंस को एकदम बैकअप लेके चलो, आपको मेन टारगेट मेंस नहीं रखना। एनआईटी के सपने नहीं देखते लोग, अपन आईआईटी के सपने देखते ना। कौन मेरे को एक बंदा मिला दो जो भाई अभी से एनआईटी के सपने देख रहा है कि भाई मैं एनआईटी ट्रिची में ही जाऊंगा, मैं एनआईटी भोपाल में जाऊंगा, मैं एनआईटी इलाहाबाद मेरा ड्रीम कॉलेज है। नहीं भाई, आईआईटी को अपना ड्रीम कॉलेज रखो ना, ये छोटे कॉलेजेस को क्यों रख रहे हो, ठीक है। और याद रख लो, पीवाईक्यू गेम चेंजर है। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं करे तो ये आपका एक सबसे बड़ा ब्लंडर मैं कहूंगा। पीवाईक्यू इज अ मस्ट, क्योंकि पीवाईक्यू में क्वेश्चन रिपीट जरूरी नहीं है कि होगा, हो सकता है कभी कभार रिपीट हो जाते हैं, बट रेयर है। पता है क्या चीज रिपीट होती है? कंसेप्ट रिपीट होते हैं भाई, सेम टॉपिक से वो चीज आती है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि ये वाला जो जेई मेंस को टॉपिक है ये ज्यादा पसंद है। जैसे बायोमोलिक्यूल से अब क्वेश्चन आने लग गए, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया, एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते अब, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पीवाईक्यू के थ्रू ही पता चलेगा। तो आपको चुपचाप से उठा लो भैया पीवाईक्यू और लग जाओ, टेस्ट वेस्ट भले ही मत दो लेकिन पीवाईक्यू गढ़ के दो। और पता है कैसे, मतलब इसका बेस्ट उपयोग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। टॉपिक देखो, जैसे फिजिक्स में आपने क्वेश्चन करा, करने के बाद एक बार टॉपिक देख लो कि अच्छा इसके अराउंड ये ज्यादा पूछता है, तो मैं देख लेता हूँ कहीं मेरी वीकनेस तो नहीं है इधर। बस एक बार ऐसे स्किम कर लो, ये लास्ट में आप कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। बस इतना सा करना है और कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए अपने और एडवांस टिप्स की ओर चल रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और अच्छी अच्छी टिप्स बताते जाएंगे। कॉफी चाय वाली ट्रिक ये तो बिल्कुल ही मत भूलना भाई, ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। अब आपको सुनने में लगेगा भाई ये क्या कॉमेडी कर रहे हो तुम, नहीं भाई बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं कर रहे हम, एक्चुअल में ये सबसे खतरनाक टिप है। पता है कॉफी और चाय में कैफीन होता है, कैफीन से थोड़ा मतलब अटेंशन आप कह सकते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो एग्जाम से पहले ना कॉफी चाय जरूर पी के जाना और फिर कुछ खा के जाना, जिससे आपका 100% में बता रहा हूँ फायदा होगा, जो सिली मिस्टेक्स होंगी ना कम हो जाती हैं, ठीक है। और याद रखो जेई में एडवांस आपका मेन टारगेट है, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करो यार, ऐसे क्या डर रहे हो यार, जेई एडवांस है असली खेल रहे यार, उसमें भी आप डर रहे हो मतलब, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है यार, सिंस आपको अलॉट हो चुका है ना, तो आप प्रैक्टिस मार्क्स जरूर दे सकते हैं, बट रिस्क पता है क्या है इसमें, लोग पता है मार्क्स को देखने लगते हैं कि भाई मैंने एग्जाम मतलब आज टेस्ट दिया और मेरे नंबर आ रहे हैं 100-300 में से, मेरा कैसे होगा। तो ये सेल्फ डाउट छोड़ो, जीरो भी आ गया ना चलेगा, बस आपको उस टाइम पे मॉक देना है, इससे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप उठने का टाइम शेड्यूल खराब है तो आप सही कर लो भैया, वरना कब करोगे, 2 दिन है एग्जाम में, ठीक है अब तो कर लो, ठीक है। इसलिए टाइम पे सो, टाइम पे उठो, ठीक है। और पानी वानी पी के चलो, और भाई एग्जाम हॉल कंडीशन का ध्यान रखो क्योंकि गर्मी बढ़ गई है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं एसी वगैरह में टेस्ट देते हैं, फिर जब एग्जाम में आते हैं तो उनके फटके चार हो जाती है। तो ये भाई साहब बेस्ट ऑप्शन पता है क्या है, पंखा ऑफ करके टेस्ट दो, गर्मी लगेगी ना तो थोड़ा दिमाग परफॉर्मेंस हिलती है, मैं बता रहा हूँ मेरी हिली थी इसलिए। तो गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से पंखा ऑफ करके मॉक टेस्ट दो, वो भी शिफ्ट के हिसाब से, ठीक है। बेस्ट है ये, अभी आप यही बेस्ट चीज कर सकते हो, उसके बाद पीवाईक्यू कर लो और रिलैक्स करो, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, 3-4 घंटे भी पढ़ोगे आप लास्ट में तो चल जाएगा। और अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है तो लो हैंगिंग फ्रूट वाले चैप्टर कर लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी से आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और आईआईटी आपको अभी भी मिल सकता है, इवन दो आप पता है मेंस भी हक दो ना, और इवन दो आप एडवांस में भी हक दो, तो भी मैं बता रहा हूँ आईआईटी मिल जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जो लोगों को पता नहीं होते, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसे अपन डिस्कस करेंगे बाद में, मैंने ऐसे एक वीडियो बनाई, आप चैनल पर जाके देख सकते हो, सब्सक्राइब कर लो यार इसी के लिए, क्योंकि अपन एडवांस से रिलेटेड कुछ धांसू ट्रिक भी देने वाले हैं आपको फ्री में। मैं ऐसे पेड चीज़ें नहीं लगाता कि पेड मेंटरशिप वगैरह नहीं चलाता, क्योंकि मुझे पता है यार स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता, और भाई क्या पेड यार इसमें, क्या पेड मतलब मैं मेंटर में आपको गाइड कर दूंगा तो क्या ही, मुझे तो लगता नहीं कि उससे ज़्यादा कुछ अंतर पड़ेगा, लेकिन इसलिए तो फ्री में अगर अपन आप देंगे जो देंगे, ठीक है। पे आपको करना है तो भाई बहुत सारे चैनल बांट रहे हैं चीज़ें, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। हाँ अब आपको थोड़ी मैं पेपर रिलेटेड गाइड देता हूँ, इधर से अपन थोड़ा पेपर ओरिएंटेड कैसे सॉल्व करना है, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो मैं बता रहा हूँ, फिर आप अपने देख सकते हैं, अगर आपकी स्ट्रेटेजी फिक्स है तो चेंज मत करना,
लेकिन अगर आपको आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल रैंडम है तो ये कर लेना, मैं बता रहा हूँ आपका स्कोर काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा, बहुत सारी परसेंटाइल ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री करता था, वैसे ऑब्वियसली सब यही करते हैं क्योंकि केमिस्ट्री टाइम सेविंग होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं इनऑर्गेनिक वगैरह के, ईजी होते हैं, जो ईजी तो नहीं बट ठीक होते हैं, तो टाइम बच जाता है ये, मतलब लेस देन 1 आवर में सॉल्व हो जाता है। तो इसके बाद मैं क्या करता था, एग्जैक्ट 1 घंटा फिजिक्स को देता था, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम होता था मैथ को देता था, क्योंकि मैथ में कहीं का टाइम लग जाता है सॉल्व करने में, लेकिन मैथ में एक्यूरेसी वगैरह हाई रहती है, याद रखो। ठीक है, इवन फिजिक्स में भी मेरी एक्यूरेसी कम रह गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने मार्क्स में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ टाइम बचाओ यहाँ लगाओ। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक यूज करनी है, वैसे ये तो कॉमन ट्रिक है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि सिंस अब आपका, पहले हमारे टाइम पता है ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन पेपर में पेपर को स्किम करने में बहुत आसानी रहती थी, पेज पलट के कर लिया, लेकिन अब ऑनलाइन होता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, आपको क्वेश्चन मैनुअली आगे आगे क्लिक करना पड़ता है। तो मैं बात कहूंगा कि आप जैसे केमिस्ट्री सेक्शन कर रहे हो ना, तो क्या करो कि स्किम कर लो क्वेश्चन, मतलब आपको क्या करना है, छाटने हैं ईजी वाले सबसे पहले करने, मीडियम वाले, हार्ड वाले बिल्कुल ही नहीं करने, आप छोड़ दो बाद में जाए। ठीक है, जब ये दोनों हो जाए ना और टाइम बच रहा है तो ये करना, वरना ही छोड़ दो। और अगर आपने ये दोनों ही बना लिए ना, तो मैं बता रहा हूँ 99% तो यहीं आ गई, और अगर आपको फिर टॉपर बनना है 99.9, तो फिर हार्ड वाले करने पड़ेंगे। ठीक है, इधर ये खेल होता है, तो इजी मीडियम ये अपना टारगेट रहेगा। केमिस्ट्री सेक्शन पे आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, ईजी वाले ढूंढेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मीडियम वाले ढूंढेंगे, लेस देन 1 आवर में सॉल्व हो जाएगा, स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा रहेगी। हार्ड वाला आप छोड़ सकते हैं अगर आपसे नहीं बन रहा है तो, ठीक है, हार्ड वाला छोड़ देना। ठीक है, और इजी मीडियम पहले से आप सबके बना लो, फिर हार्ड पे ट्राई मारना। ठीक है, केमिस्ट्री में इजी मीडियम बना लिए, फिजिक्स में इजी मीडियम बना लिए, मैथ में इजी मीडियम बना लिए, ऐसे करके ट्राई करो। ठीक है, और फिर हार्ड वाले अगर आपको लग रहा है तो आप लास्ट में कर सकते हो सॉल्व, वरना मेरे हिसाब से टाइम बचेगा नहीं, आप इजी मीडियम में ही मीडियम वाले टाइम ले लेते हैं, क्योंकि 90 क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास, 90 क्वेश्चन है और 3 घंटा है, आप खुद ही देख लो, 30 क्वेश्चन करने हैं आपको 1 घंटे में लगभग, कितना ही ज्यादा टाइम है ही नहीं, 2 मिनट है पर क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चलते हैं जरा। हाँ, थोड़ा स्मार्ट वर्क जरूर कर लेना यार पेपर में, अगर आपको लग रहा है कि आपकी शिफ्ट टफ आ गई ना, तो भाई सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, दूसरे लोगों के लिए भी टफ है, तो पैनिक की जगह ट्राई करना, उसमें भी इजी क्वेश्चन करो। ठीक है, वहीं आपकी रैंक बढ़ जाएगी। ठीक है, पेपर के बाद रेस्ट जरूर करना, क्योंकि एडवांस आ रहा है, 1 दिन का रेस्ट लो आप पूरा पेपर देने के बाद, रिलैक्स करो, चिल करो, कितने ही मार्क्स आए बाहर में जाए साइड रखो, और अपना एडवांस की तैयारी नेक्स्ट डे से शुरू कर दो। अगर आप सिंसियर बच्चे हो जिसके IIT में होना है, वो जरूर यही करेगा, ना कि मार्क्स से पीछे भागता रहे, अरे मेरे इतने हो गए, मेरे इतना आएगा मेरे शिफ्ट में, ये मेरी शिफ्ट पक गई, बकवास है। ठीक है, आगे बढ़ो, सेल्फ एनालिसिस करो, सेल्फ मेंटरशिप आपको याद रखना है, सेल्फ एनालिसिस भैया आप सबसे ज्यादा बेस्ट सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं भाई, कि मैं क्या गड़बड़ करता हूँ, मैं जैसे सिली मिस्टेक होती है, मैं इनकरेक्ट का करेक्ट लगा लेता हूँ, क्वेश्चन में पूछा कुछ है कुछ और लगा देता हूँ, या मेरे कंसेप्ट ही ढीले, खुद को सेल्फ मेंटर करो, सबसे ज्यादा बेस्ट है, सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, दूसरे की मेंटरशिप लेने से अच्छा है खुद मेंटरशिप करो। और अगर पैसा ज्यादा है, करोड़पति हो, तो मेरे को, मैं अपनी UPI ID भेज दूंगा, तो जरूर से मुझे शिफ्ट कर दीजिए पैसा, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो ये था सरकाजम। अब आप आते हैं, गाइडेंस फ्री में यूट्यूब पे भी मिलती है, लेकिन राइट गाइडेंस कभी कभार मिसिंग होती है, क्योंकि फेक IITians या नॉन IITians भी आजकल वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पे तो यार कोई भी बना सकता है ना वीडियो। ठीक है, तो ये अब आपको चूज करना है कि कौन सी गाइडेंस सही है। ठीक है, और सब चले यार, IIT भी थोड़ा ओवर हाइप्ड है, ये आपको मानना पड़ेगा, बट बेस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया में अभी भी यही है। ठीक है, ये याद रखो। तो भैया हमने क्या सीखा इस वीडियो, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका कंसंट्रेशन सही में बड़ा तगड़ा है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था भाई कि आप वीडियो यहाँ तक देख रहे होगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, होप कि आपका IIT में सिलेक्शन हो जाए, ऑल द बेस्ट। जरूर से यार मैसेज करके मेरे को जरूर बताना अगर हो जाता है कमेंट में, और अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट में अभी डाल दो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, टेंशन वाली बात नहीं है, और बेस्ट ऑफ लक। बस ये जो मैंने वीडियो बताया ना, ये फॉलो करो, और अभी जाके यार फॉर्मूले रिवाइज करो जो मैंने बताया था वीडियो में, अभी जाके करो। ठीक है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू यार, बेस्ट ऑफ लक।